अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ अपना एक गैजेट मोबाइल ओज़मो मोबाइल 3 डिवाइस शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मैंने काफ़ी देर पहले ली थी तो तब आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था, तो सोचा क्यों ना आज, वो भी ऐसे क्योंकि मैं जा रहा हूँ वेकेशन पे, तो सोचा क्यों ना इसको अपने साथ लेके जाते जाते आपके साथ भी इसको शेयर कर दूँ। तो कुछ चीज़ें जो आपको शायद अभी तक इसकी ना पता हो तो वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलें देखते हैं इसके फीचर्स। इसको खोल के मैं दिखाता हूँ आपको, जब इसको मैंने खोला था इसमें से क्या क्या निकला था। ये वो है जिसके साथ हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, और ये बॉक्स है इसका। इसके अंदर इसकी डाटा केबल है इसको चार्ज करने के लिए, और बाकी ये सब इसकी इन्होंने लिखे हुए हैं जो चीज़ें आपको अगर ना समझ आती हूँ आप इसको पढ़ के आपकी समझ में आ सकती है चीज़ें। और साथ में इसके ये इसका एक कवर था इसको रखने के लिए। इस पर देखे लिखा हुआ है ओज़मो DJI। जी, तो ये इसका फ्रंट फेस है जिसके साथ हम मोबाइल को अटैच करेंगे। ये DJI लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम फोन को इस एंगल से करेंगे, अगर ये घूमा हुआ होगा तो वो फोन से अटैच नहीं होगा। अब ये फोन इसके साथ अटैच कर लिया मैंने जी, और ये इसका बटन है जिससे ऑन करूंगा मैं, और इसको ऐसे ऊपर करके सिर्फ खोलूंगा और वो फोन ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ के थ्रू। और इसको ऑपरेट करने के लिए इसकी एप्लीकेशन है DJI मीमो, तो वो इस्तेमाल करेंगे हम। ये देखें, ये अब ऑन हो गया है और इसके साथ कनेक्ट भी हो चुका है इस गैजेट के साथ। और क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियोस पोर्ट्रेट पर बनाते हैं, इसलिए अगर हमें पोर्ट्रेट पर चाहिए तो हमें इसको सिर्फ जस्ट 2 टाइम प्रेस करना होगा। ये जो बटन M है, बटन M को 2 टाइम प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट पर चला जाएगा। ये देखिए, सिर्फ इसको यूज़ करने के कुछ पॉइंट्स हैं जो देखने होंगे हमें। और ये जो है इसका राउंड, इससे हम मोबाइल फोन को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कर सकते हैं। और इसका फायदा सिर्फ बस एक ये है, आप इसे कह सकते हैं कि जब हम विदाउट इससे वीडियो बना रहे होते हैं तो चलते चलते वीडियो में हमारी बहुत ज्यादा मूवमेंट्स फील होती हैं। इससे होता ही है कि हम जैसे मर्जी इसको मूव कर रहे हो हमारा फोन स्टेबल रहता है। इससे हम यहाँ पर स्टेबिलाइज़ेटोरे भी कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी आपकी वीडियो छवि ज़्यादातर व्लॉगर्स यूज़ करते हैं। तो मैं भी काफ़ी देर से इसको यूज़ कर रहा था तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। इसी के साथ ही इसके ऊपर ये जो बटन बने हुए हैं, ये रेड बटन को 1 टाइम प्रेस करेंगे ये फोटो से वीडियो पर कन्वर्ट हो जाता है। ये M बटन को हम दोबारा प्रेस करूँगा तो ये इस फेस पे आ जाएगा। और ये पीछे इसका एक बटन है, ये हमारा यूज होता है वीडियो को चेंज करने के लिए, फोकस करने के लिए। और ये कोर्स के यहाँ पर बटन है, ये हमारा जूम है। तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो मैं आपको उसका इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए गैजेट के साथ, एक नए ट्रिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।